मिल रही है कि कतर से अभी आदमी निकाले जा रहे हैं या बंदे निकाले जा रहे हैं, काम बंद हो गया कतर में, तो उससे काम चल रहा है ना, तो कंपनियां फ्रेश ड्राइवर को ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, वही कंपनी एक्सेप्ट। तो जब मैं यहाँ पे आया तो स्कूल में जस्ट मेरा 300 रियाल ही लगा था, ठीक है, वो मेरी कंपनी ने ही चेंज करवा के दिया था, मैं स्कूल भी नहीं गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सब ठीक होंगे। तो आ गए हैं जी आज एक फिर नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे जी कतर के न्यू कुछ अपडेट्स, और मेरे भाइयों के बहुत से कमेंट्स जमा हो चुके हैं क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली, तो ड्यूटी की वजह से, ड्यूटी टाइमिंग की कुछ ऐसी हो गई थी। तो आज इसी वीडियो में हम पूरा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँगे, ठीक है। तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ कतर के रिलेटेड, कतर ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, तो साइड में हम लोग पहुँच चुके हैं, तो काम थोड़ी देर स्टार्ट होगा, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। तो मेरे एक भाई ने पूछा था मेरे बारे में ही कि आपने लाइसेंस कैसे लिया था कतर में जब आप स्टार्टिंग में आए, और कौन से स्कूल से लिया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब कतर में आया था तो वो टाइम में लाइसेंस एक्सचेंज हो जाते थे, जैसे आपके पास किसी भी कंट्री का, गल्फ कंट्री का हैवी लाइसेंस आया या इंटरनेशनल लाइसेंस आया तो आप एक्सचेंज कर जाते थे। मैं 2014 में यहाँ पर आया था, 2014 में, तो जब मैं यहाँ पे आया तो स्कूल में जस्ट मेरा 300 रियाल ही लगा था, ठीक है, वो मेरी कंपनी ने ही चेंज करवा के दिया था, मैं स्कूल भी नहीं गया था, वो उसी कंपनी ने मुझे चेंज करवा के लाइसेंस दे दिया था। मेरे पास कुवैत का लाइसेंस था, पहले मैं कुवैत में था, उसकी वजह से मुझे लाइसेंस मिल गया, ठीक है जी। तो बाद में 2015 के बाद 16 में हाफ में ये रूल चेंज हो गया कि फिर उसके बाद कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी का लाइसेंस चेंज नहीं थी करती, जहाँ स्कूल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था ये कानून, तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल आई आदमी को भी, ड्राइवर लोग को भी। तो मेरी तो यही कहानी थी जी, ऐसे मिला था मुझे लाइसेंस। और एक भाई का क्वेश्चन था, यानी कि काफ़ी 4-5 मेरे दोस्तों ने मुझे सवाल किया कमेंट में यूट्यूब में भी, तो हम कतर में ही हैं और हमें जॉब नहीं मिल रही, जॉब कैसे लें। तो मेरे भाई, अगर आपके पास लाइसेंस है जहाँ ऑपरेटर हैं या ड्राइवर हैं, तो जॉब अभी है कतर में, इतनी ज़्यादा नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मली जॉब चल रही है, काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ऐसा करें, आप किसी मैन पावर एजेंसी से रब्ता करें, कॉन्टेक्ट करें, अपने किसी दोस्त से मैन पावर एजेंसी का नंबर लें, जहाँ जो मेन मेन हाईलाइटेड कंपनियाँ हैं वहाँ पर आप जाके खुद पूछ सकते हैं, ठीक है। तो घर पर अगर बैठ के आप वेट करोगे कि हमें कोई जो दोस्त आके जॉब दिलाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा। तो आप मेरा भाई रूम से बाहर निकलें, सर्च करें कंपनी से में जाके, क्योंकि एक तो आपका फ्रेश लाइसेंस है, दूसरा अभी जो हिसाब से काम चल रहा है ना, तो कंपनियां फ्रेश ड्राइवर को ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, वही कंपनी एक्सेप्ट करती है जिसके पास ड्राइवर नहीं है। तो मेरे भाई आप ऐसा करें, आप खुद सर्च करें या किसी मैन पावर एजेंसी में अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें तो आपको काम मिल जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल होती है, 1-2 महीना, तो कईयों को 6-6 महीने भी लग जाते हैं काम लेने में, तो नॉर्मली काम मिल भी जाता है, जल्दी भी मिल जाता है। हम लोग भी जब आए थे बैठे थे थोड़ी देर, तो फिर उसी के बाद धीरे धीरे काम चल पड़ता है। आप हौसला मत हारें, काम मिल जाएगा आप सभी को। हाँ जी, तो चलो बाकी बातें करते हैं जी। हम ट्रक में जाके, अभी गर्मी बढ़ रही है बाहर, तो सुबह का टाइम है, फिर भी अभी गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। उम्र बैठ के बाकी बातें करते हैं। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं जी ट्रक के अंदर। तो एक और मेरे भाई का क्वेश्चन था कि ड्राइवर की जॉब कितने घंटे होती है कतर में। तो मेरे भाई, ड्राइवर की जॉब का कोई फिक्स टाइम नहीं होता,
कि इतने घंटे आपने जॉब करनी है, ठीक है। नॉर्मली जो टाइम चलता है कंपनीज में हर एक वर्कर के लिए 8 आवर का चलता है, 8 घंटे का। उसके बाद अगर ऊपर काम आप करते हो तो आपको ओवर टाइम मिलता है, ओटी बोल देते हैं जिसे, ठीक है। और ये तो नॉर्मल वर्कों के हो जाता है ओवर टाइम। जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए कुछ कंपनियां ओवर टाइम प्रोवाइड करवाती हैं, कुछ कंपनियां ट्रिप सिस्टम करवाती हैं, ठीक है। नॉर्मली ड्राइवरों की ड्यूटी 15 से 16 घंटे, कहीं कहीं 18 घंटे, 20-20 घंटे वाले भी करते हैं। जैसे हम लोग का क्या काम है, हम लोग का 24 आवर कंपनी ने बोला हुआ ड्यूटी है। तो हमको क्या है कि जब भी हमारा लोड आएगा, हमारा रोड का काम है कंपनी का, तो जब भी लोड आता है हमको जाना पड़ता है। जब फ़ोन करेंगे रात में जाना पड़ेगा, अभी 12 बजे 1 बजे, कोई टाइम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कई बार एक एक डेढ़ डेढ़ दिन दो दो दिन भी बाहर ही सोना पड़ता है गाड़ी में, ठीक है। उसी हिसाब से फिर पैसे मिलते हैं। 8 आवर के बाद जितने भी आप ऊपर करोगे आपके ओवर टाइम में ऐड होंगे वो, ठीक है जी। तो फिक्स ड्यूटी, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती ड्राइवर की, ठीक है मेरे भाई। और दूसरी बात, जो भाइयों को अभी अफवाह सुनने को मिल रही है कि कतर से अभी आदमी निकाले जा रहे हैं या बंदे निकाले जा रहे हैं, काम बंद हो गया कतर में, तो मेरे भाई अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़ हम भी, मतलब न्यूज़ नहीं बोल सकते, अफवाह हम भी सुन रहे हैं सभी लोगों से। हाँ जी, तो हमने भी ये न्यूज़ सुनी हुई है लोगों से कि जैसे आप लोगों ने सुनी है, बट गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी अथॉरिटी की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि इस तारीख को या 1-2 महीने के बाद आदमी निकाले जाएंगे कतर से, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं हुआ अभी तक। आने वाले 1-2 मंथ में क्लियर हो जाएगा कि निकालना है या नहीं निकालना है, बट कोई भी परमानेंटली किसी को नहीं निकाला जाएगा। वही आदमी कंपनी भेजेंगे जिनका मेन हाईलाइट जगह में काम चल रहा है, जहाँ मेन कॉर्नर्स जगह में, सिटी में, दोहा में, मेन जगह में काम चल रहा है, ठीक है, वेस्ट वे साइड में। तो जिनका रोड का काम है, जहाँ पाइपलाइन का है, जो अपने स्टेडियम्स के बिल्कुल पास में आते हैं, वही कुछ दिनों के लिए काम स्टॉप किया जाएगा, होल्ड किया जाएगा। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी ने वर्कर को यहाँ पे रखना है या इंडिया भेजना है, ठीक है। कोई कंपनियाँ यहाँ पे अपना, कंपनी की बहुत सी साइड होती हैं, वो साइड से निकाल के दूसरे साइड में डाल सकती हैं, ठीक है। कि वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है भेजना नहीं भेजना। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि काम परमानेंटली कुछ बंद नहीं होगा। कुछ कंपनियों का काम बंद होल्ड हो सकता है, बंद नहीं हो सकता है कुछ टाइम के लिए, यानी कि 1-1.5 महीने के लिए, यही होगा अगर हुआ भी तो। बाकी बंद होने वाला कुछ चक्कर नहीं है, फ्लाइटें चलती रहेंगी, एयरपोर्ट कतर के खुले रहेंगे, आदमी आएंगे जाएंगे, कुछ भी बंद नहीं होगा, ठीक है जी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी जो भी नए मेरे वीर लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, अभी वेटिंग थोड़ी बढ़ गई है स्कूलों में, क्योंकि रश ज़्यादा होने की वजह से बहुत से अभी वर्कर आ रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं, तो वेटिंग है मेरे भाई। हौसला रखें, वेटिंग अभी हर स्कूल में है। बीच में थोड़ा डिले हुआ था, काम स्लो हुआ था, बट अभी वेटिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा हर एक स्कूल में ज़्यादा, कोई ऐसा फिक्स स्कूल नहीं है जिसमें वेटिंग कम हो। बाकी आप वेटिंग कम करवा सकते हैं, उसमें भी कुछ 50-50 चांस होते हैं। जो भी आपका ट्रेनर होता है आप उससे बात करें, और कुछ एडजस्टमेंट करवा देता है, उससे और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। जो आपका ट्रेनर होगा उसी की वजह से ही आपको, उससे ही बात करके आपको कुछ ना कुछ करना होगा अपने ही थ्रू, ठीक है जी। बाकी भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी नए ड्राइवर आते हैं, स्कूल अप्लाई करते हैं या करना चाहते हैं जी, कुछ आदमियों से वो पूछते हैं कि टाइम कितना लग जाता है लाइसेंस बनाने का। कुछ लोग उनको अलग अलग सभी टाइम बताते हैं, क्योंकि उनका किसी का भी फिक्स टाइम में नहीं बना होता, ठीक है जी। ये आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है, बाकी स्कूल में वेटिंग कितनी चल रही है, रश कितना है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। फिक्स टाइम कुछ नहीं होता, तो टाइम लग सकता है लाइसेंस बनने में। आप हौसला रखें, पेशेंस रखें, तो आपका लाइसेंस जरूर बनेगा, जो भी आदमी नए आए हुए हैं, ठीक है। नॉर्मली 2 से 4 मंथ का टाइम लग रहा है अभी, ठीक है जी। हाँ जी, तो बाकी एक भाई ने मुझे पूछा था कि मेरे पास इंडियन हैवी लाइसेंस है एक्सावेटर का, और कुछ भाई ड्राइवर भी हैं जिनके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है 7 से 8 साल का। वो बोल रहे थे कि कोई ऐसी कंपनी बताएं या कुछ ऐसा हो सकता है कि इंडिया लाइसेंस को हम डायरेक्ट कतर में आ जाएं, इंडियन लाइसेंस पे ज़्यादा विचार ना लेना पड़े, डायरेक्ट कंपनी में आ जाएं। तो भाई ऐसा अभी कुछ नहीं है, लगभग बहुत ही कम चांस है, 1% है ऐसा कोई कंपनी हो। पहले पहले होता था ऐसा, 2-3 तो यहाँ पर कंपनियाँ हैं, जैसे बसेस वाली कंपनी है, कारवा बस है यहाँ पे चलती कतर में, जो सरकारी बस जैसे बोलते हैं, उसकी डिमांड जाती है, बट वो कभी कभी जाती है। अभी तो वो भी उन्होंने भी नहीं भेजी, 6-7 महीने पहले डिमांड गई थी। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी डिमांड जाए। आप फिर भी आप ध्यान रखें, अगर अपने इंडियन लाइसेंस पे आना है तो
तो आप सर्च करते रहें एजेंट के थ्रू, अगर कारवा बस की कोई डिमांड आए तो आप वही कंपनी उठा सकती है, दूसरी कोई भी कंपनी की आज तक मैंने सुनी नहीं डिमांड कोई चाहे जो फ्रेश ड्राइवर को या ऑपरेटर को लेके आए। ठीक है जी। हाँ जी, तो बाकी यही कुछ बातें थी आज की, और कतर के बारे में मैंने बताया जो आपको, अभी सब काम नॉर्मली चल रहा है, अभी कोई भी अपडेट नहीं आया कि कतर में का काम बंद होगा फीफा वर्ल्ड कप की वजह से जहाँ आदमी निकाले जाएंगे, कुछ ऐसा अभी फिक्स न्यूज़ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, बस अफवाहें हैं और कुछ नहीं है। तो एक फिर भी एक दो मंथ के बाद पता चल जाएगा कुछ ना कुछ होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी भाइयों को क्वेश्चन के उनके जवाब मिल गए होंगे। तो मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखें, खुश रहें, आबाद रहें, टेक केयर, बाय बाय।